परियों के किस्से कहानियां तो अधिकतर हम सभी ने सुने और पढ़े होंगे। अक्सर हम बच्चों को परियों के देश की कहानियां सुनाते रहते हैं, लेकिन ये सब तो हम सिर्फ उनका मन लुभाने के लिए करते हैं। असल में तो लोग इन्हें काल्पनिक ही मानते हैं। लेकिन यदि आज हम आपको कहें कि परियां सच में होती हैं, तो क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे? इतना ही नहीं, इन परियों का पृथ्वी पर एक निवास स्थान भी है, जहां कई लोगों ने इन परियों को देखने का दावा भी किया है। जाहिर है कि सुनने में तो आपको ये सब एक मिथ्या ही लग रहा होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां के लोगों को पूरा विश्वास है कि परियां होती हैं। इतना ही नहीं, लोग इन्हें पूजते हैं। जी हां, ये स्थान है भारत के उत्तराखंड टिहरी गढ़वाल जिले का खैट पर्वत। उत्तराखंड देश विदेश के लाखों लोगों की आस्था का केंद्र रहा है। यहाँ के कोने कोने में कई रहस्य छिपे हैं। टिहरी गढ़वाल का ये खेट पर्वत प्रताप नगर ब्लॉक में स्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 7,500 फीट है। देव भूमि में स्थित ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं है। स्थानीय लोगों का विश्वास है कि यह एक रहस्यमय पर्वत है। वह इस पर्वत को परियों का देश कहते हैं। यहाँ लोगों को अचानक ही कहीं परियों के दर्शन हो जाते हैं। जी हाँ, यहाँ लोग परियों और वन देवियों को देखने का दावा करते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि ये परियां आसपास के गांव की रक्षा करती हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार यहाँ माँ दुर्गा ने मधु कैटव नामक असुर का संहार किया था। कैटव का अभ्रंश खैट हो गया। थात गांव से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर खैट खाल नाम का एक मंदिर है, जिसे यहां के रहस्यों का केंद्र माना जाता है। यहां परियों की पूजा होती है और जून के महीने में प्रतिवर्ष यहां एक मेला लगता है। मान्यता है कि इस पर्वत पर 9 परियां रहती हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में आछियां कहते हैं। मान्यता है कि यहाँ आंछड़ियों को जो लोग पसंद आते हैं, वे उन्हें मूछित करके अपने पास रख लेती हैं और अपने लोक ले जाती हैं। कहते हैं कि यहाँ पर आवाज करना प्रतिबंधित है, नहीं तो आंछड़ियां आपको अपना बना लेंगी। लोगों का कहना है कि परियों को चटकीला रंग, शोर और तेज संगीत पसंद नहीं है। खैट पर्वत से जुड़ी कथा के अनुसार जीतू नामक एक व्यक्ति था, जो नित खैट पर्वत पर गाय बछिया चराने जाता था। वह बहुत मधुर बांसुरी बजाता था। एक बार खैट पर्वत की परियां उसकी मुरली की धुन से आकर्षित होकर आ गई और जीतू को अपने साथ ले गई। जीतू कहां गायब हो गया, ये आज तक एक रहस्य ही बना हुआ है। समाचार पत्रों और शोध पत्रिकाओं से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस पर्वत पर अमेरिका की मैसाच्युसेट्स विश्वविद्यालय ने यहाँ एक शोध किया और इस शोध में उन्होंने पाया कि यहाँ कुछ ऐसी शक्ति है जो अपनी ओर आकर्षित करती है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि यहाँ अनाज कूटने वाली ओखलियाँ जो समतल पर बनी होती हैं। खैट पर्वत पर ये ओखलियाँ दीवारों पर बनी है और यहाँ अपने आप लहसुन और अखरोट की खेती होती है। स्थानीय लोगों की माने तो यहाँ पर देव स्थान होने के कारण परियां खेलने के लिए आती हैं। उन्होंने ही अपने खेल के लिए यहाँ पर गुफा और ओखलियां बनाई। जी हाँ, यहाँ एक रहस्यमय गुफा भी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसके आदि अंत का पता नहीं चल पाया है। खैट पर्वत पर परियां रहती है या नहीं, इस बात का कोई साक्षात प्रमाण आज तक नहीं मिल पाया है, लेकिन मंदिर के प्रति लोगों की आस्था और श्रद्धा निरंतर बनी हुई है, जहां आज भी परियों की पूजा की जाती है। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।